top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. फूल कली पत्नी का नाम है, प्रतीक है पत्नी। फूल कली ने जहर खा लिया, तंग हुए महंगाई से और हंसती रही तिजोरी काली, उन पर बेशर्माई से सूद खोर ले गया, दुल्हन का कंगन खोल कलाई से। गायों से ज्यादा डरता है दुल्हन आज ससाई से, जी करता है आग लगा दूं ऐसे व्यर्थ विकास में, कि उत्पादक का शव ढकने की क्षमता नहीं कपास में। आजादी का सूरज चमका शहरों के आकाश में। इसमें एक पंक्ति जो आती है वो यूं है कि हिंदी उर्दू साथ रही आजादी की कुर्बानी में, अश्फाकुल्ला भगत सिंह ने जोड़े पृष्ठ कहानी में, वतन समाज अपराधी वैभव लिखवाता। ये मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिभा बिकती है विदेश में, सत्य चुना दीवारों में, अपराधी वैभव लिखवाता अपना नाम सितारों में। सच की करो प्रतिष्ठा यारो, उपवन के व्यवहारों में, वरना अंतर नहीं रहेगा पतझर और बाहर, वरना अंतर नहीं रहेगा पतझर। बहुत बड़ा दर्द है हमारे देश की अर्थनीति क्या होगी, हमारे देश की सारी अर्थनीति यह है कि किसान को कैसे, हम किसान की फसल पर कैसे कब्जा करें, उसकी जमीन पर कैसे कब्जा करें। पूरी अर्थनीति चाहे किसी के शासन रहा हो, मैं कोई एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं आज की कर रहा हूं, आज से जब से आजादी मिली है। वरना एक जमाने में एक रुपए की सीमेंट की बोरी आती थी और 7 रुपए/1000 ईंट आती थी। चिंता नहीं, देश की कोई करता बड़ा विषाद है, और अगर कोई करता है तो केवल अपवाद है, पता नहीं किशोर जा रहा है, ये सजा विवाद है। और लक्ष्य कहां है इस पर सारथियों में वाद विवाद, लक्ष्य कहां है इस पर सारथियों में वाद विवाद है। और राष्ट्र चेतना दबी हुई है कुंठा और संतास में, क्या हम मर जाएंगे जीवित रहने के अभ्यास में। अब ये कविता मैंने जो लिखी इसको मैं समझाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थनीति तय क्यों नहीं हुई इतिहास में। अंतिम पंक्तियां, किस पर दोष धरे इस सबका, किसकी ये नादानी है, सच पूछो तो अपने कर्मों की ही राम कहानी है। आजादी का सूरज चमका शहरों के आकाश में और गांव पड़ा है अभी। तो ये मैंने कविताएं लिखना शुरू किया बचपन से। मेरे दिमाग में क्या था कि ये देश जो है, अगर हमारे आजादी के बाद भी अगर हमारे सारे लोग अगर खुशहाल नहीं होते, मुट्ठी भर लोगों की खुशहाली का नाम देश की खुशहाली नहीं। हम लोग नई साल आती है, नई साल पर जब किसी और जात के ऊपर झगड़ा हो जाएगी और वो जो समस्याएं हैं वो समस्याएं पीछे चली जाती हैं, जिनके लिए समाजवादी आंदोलन हुए, जिनके लिए गांधी जी कुर्बानी देके भगत सिंह ने अपनी पार्टी का नाम ही समाजवादी हिंदुस्तानी सोशलिस्टिक, क्या सोशलिस्टिक रिपब्लिक रखा था, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्टिक रिपब्लिक। तो ये जो क्या था, ये नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर मां जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है मिट्टी सदा सुहागिन है, उसी देश में एक कली भी भूखी या हतभागिन है, तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। एक में आवारा जीवन है, जिसकी मिट्टी में खेले तन दर्पण सा झलका है, यदि उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है, जनमन जन के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके लहराते खेतों की मनहर हरियाली से, सुबह आप जाते हैं और हरे हरे खेतों में क्या मन प्रसन्न होता है, कि जिसके लहराते खेतों की मनहर हरियाली से
रंग बिरंगे फूल सुसज्जित डाली डाली से इस भौतिक दुनिया का भार हृदय से उतरा है। उसी देश को अगर किसी मनहूस नजर से खतरा है तो चाहे दौलत ने तुमको हर सुविधा ला दी हो पर तुम अपराधी हो, पर चाहे दौलत ने तुमको काश्मीर पढ़ना चाहो, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ, अब जिसे देख कर रोते हो वो सब उत्कर्ष तुम्हारा था, ये केवल काश्मीर ही कैसा भारतवर्ष तुम्हारा था। तोड़ दो अपने जनादोलन किताबों को अगर तुम आदमी को रास्ते पर लाने कलम को हाथ में लेने का मतलब यह नहीं होता कि बस हम दर्द अपना गुनगुनाएं और रह जाएं, किसी के केसुओं में फूल टांगे प्यार के, लेकिन घर की आंधियां आए तो उनके साथ रह जाएं। कलम का काम नकाब कौन से, धर्म के नकाब, जात के नकाब, पदों के नकाब, जरूरत ही कुछ नहीं, जो आदमी है वो आदमी है, जरूरत ही नहीं है कुछ नकाबों की नए युग में, कि हम सब आदमी को आदमी के रूप में देखें। पुराने मूल्यों की रोशनी कुछ पक्षपाती थी, चलो हर बात को चलकर सुबह की धूप में देखें। भला ऐसे दिवाली के दिनों से फायदा क्या है कि जिनकी रश्मियां भी रात होने की दुहाई दें। कलम उस रोशनी को रोशनी कैसे कहे जिसमें मदद छोटे मदद पर छाया ना दिखाई। ये मैंने पंक्ति एक लिखी।